हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन टुडे। आई होप कि आपकी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। सो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेपर वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आई होप कि आपने हमारे नए चैनल दैट इज अनुज जिंदल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आप आई कार्ड पे लिंक को क्लिक करके हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A student sends greeting cards to you on the occasion of Teacher's Day. What shall be your reaction? मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही जेनरिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो ये देखते हैं कि एज अ टीचर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे अलग अलग सिचुएशन की या आपका बिहेवियर कैसा होगा। सो अगर आप अपने आप को एज अ टीचर की जगह रख के सोचने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीज पूछी गई है कि एक स्टूडेंट आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजता है तो आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होगा। ऑप्शन को देखते हैं। डू नॉट एक्सेप्ट द कार्ड, क्या आप मना कर देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट की फीलिंग्स हर्ट होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी, पोलाइटली एक्सेप्ट एंड से थैंक्स, ये बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए बिकॉज हमें हमारे स्टूडेंट्स की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। अगर हम उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे तो हम उनसे अच्छी टर्म्स और अच्छे रेपो नहीं बना पाएंगे और फिर वो हमें एज अ फ्रेंड नहीं ट्रीट कर पाएंगे। सो ये बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए और ये करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। फिर भी एक बार सी एंड डी ऑप्शन को देख लेते हैं। आस्क देम टू नॉट वेस्ट मनी, दो यहाँ पे स्टूडेंट ने जरूर कुछ ग्रीटिंग कार्ड में थोड़ा एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया है बट ही हैज डन इट आउट ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन फॉर द टीचर। सो यहाँ पे हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, सो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। डी, पनिश हिम टू सेट एन एग्जाम्पल, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम उसे पनिश करने लगे फॉर जस्ट गिविंग अस ग्रीटिंग कार्ड। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे वो हो जाएगा बी, दैट इज पोलाइटली एक्सेप्ट एंड से थैंक्स। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो मेंशन पर्संस गेव द कंसेप्ट ऑफ 3 hours इन एजुकेशन, रीड राइट एंड अरिथमेटिक। अब ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि हमारे लास्ट यूजीसी नेट एग्जाम में या फिर कई पास्ट ईयर्स क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं जहाँ पे एजुकेशनल फिलोसफीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। लास्ट अटेम्प में रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसफी रिलेटेड टू एजुकेशन से भी क्वेश्चन आया था। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा पॉन्डर अपॉन करें और खुद इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। सो यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपके लिए पढ़ देता हूँ। इज इट ए जवाहरलाल नेहरू, इज इट बी महात्मा गांधी, इज इट सी रविन्द्रनाथ टैगोर और इज इट डी बीआर अंबेडकर। सो हम वेट करेंगे कि आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 words। सो ये एक फ्रेज दिया गया है जिसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट टीचर के कंटेक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं ऑप्शन। यूज डायग्राम्स इन टीचिंग, स्पीक मोर एंड मोर इन क्लास, सी यूज टीचिंग एड्स इन क्लास, डी नॉट टू स्पीक टू मच इन द क्लास। तो यहाँ पे क्लियरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए और सी ऑप्शन के बीच में, जहाँ पे एक जगह डायग्राम के बारे में बात हो रही है और एक जगह टीचिंग एड के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डायग्राम के कंटेक्स्ट में डायग्राम एक टीचिंग एड है, डायग्राम की तरह हम ग्राफ्स भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो दो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे कि आंसर इसका ए होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट सूटेड आंसर है वो है सी, दैट इज यूजिंग टीचिंग एड्स, बिकॉज ये फ्रेज सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, रदर आपको ये बता रहा है कि आप किसी भी तरीके का टीचिंग एड यूज करते हैं, ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स को। और बात करने की जगह, बोलने की जगह ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है या जो एड्स होती हैं वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। एन आइडियल सिचुएशन इन द क्लास एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सो आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन कौन सी है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। ए ऑप्शन देखते हैं। द टीचर ऑलवेज यूजेस ऑडियो विजुअल मेथड, मतलब हर टाइम कोई टीचर आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑडियो विजुअल मेथड यूज करता है। अब मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को कि कोई टीचर जब भी क्लास में आता है वो हमेशा आपको ऑडियो विजुअल ही सुनाए, तो क्या आपको मजा आएगा, क्या आपको डिस्कस
अगर आप बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे उसके साथ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनहांस होगी, सो द आंसर इज नो। सो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप जरूर ऑडियो विजुअल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज इज द टर्म दैट इज गिवन हियर इन दिस स्टेटमेंट। सो हमेशा हमें ऑडियो विजुअल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द टीचर्स आस्क क्वेश्चन एंड द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज एबल टू आंसर। ये भी आइडियल सिचुएशन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी टीचर सवाल पूछता है कोई जरूरी नहीं है कि सारे आंसर स्टूडेंट्स को आते ही हो। कई बार ऐसा होंगे कि वो पार्शियली करेक्ट होंगे, कई बार ऐसा भी होगा जब उन्हें आंसर नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट एज अ टीचर ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स नहीं आते हैं। सो बी भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, सो बी भी आंसर नहीं है। सी, द टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट। यस, दिस शुड बी द आइडियल सिचुएशन, क्योंकि अगर स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर बी मैथमेटिक्स, हिस्ट्री या कोई भी हो जो आप पढ़ा रहे हैं, आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए दैट अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट हिज प्रॉब्लम विद यू। वो आपके साथ कंफर्टेबल हो और जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो आपसे क्लियरली आकर डिस्कस कर सके। सो मेरे हिसाब से ये क्लियरली आंसर होना चाहिए, दैट इज सी। फिर भी डी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक्स इन द क्लास। अगर उसने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, प्रॉपरली वो प्रिपेयर्ड है, ये आइडियल सिचुएशन होती नहीं है जनरली, क्योंकि टीचर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। उसके बाद ही सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से टॉपिक्स थोड़ा सा पढ़ के आते हैं या फिर रीड करके आते हैं। सो ये भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। सो हमारा जो क्लियर कट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट। नाउ बिफोर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऊपर आई लिंक में आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पेपर वन, पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स लेआउट किए हुए हैं। आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको PDFs एज वेल एज वीडियोस दोनों मिलेंगी, जिसमें से PDFs डाउनलोडेबल हैं, आप उन्हें प्रिंट करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड परचेज द कोर्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू लर्न बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस इज नोन एज डैश। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब भी एक टीचर स्टूडेंट्स को लर्न करने का मौका देता है थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, सो व्हाट इट इज नोन एज। ऑप्शन देखते हैं, फील्ड लर्निंग, बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सी पीयर लर्निंग एंड डी ग्रुप लर्निंग। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को ऑलरेडी आंसर समझ में आ गया होगा, बिकॉज हिंट ऑप्शन में ही छुपी हुई है, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो जब भी कोई स्टूडेंट या टीचर या कोई भी कह लीजिए कोई भी एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से उस चीज़ को परफॉर्म करके, लर्न करके, मिस्टेक्स करके चीज़ों को सीखता है अपने एक्सपीरियंसेस से, तो हम उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा बी। मैं फिर भी आपको एक बार बाकी तीन टर्म्स का मतलब समझा देता हूँ। फील्ड लर्निंग ये होती है कि जब आप ऑन द फील्ड जाके किसी काम को करते हैं और वहाँ पे सीखते हैं तो उसे फील्ड लर्निंग कहते हैं। पीयर लर्निंग ये होती है जब आप अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लेते हैं तो उसे पीयर लर्निंग कहते हैं। यही एक्टिविटी जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होती है इंटरैक्शंस के बेसिस पे, तो हम उसे ग्रुप लर्निंग कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो हमने ये पांच क्वेश्चंस किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। अगर आपको लगता है कि आज आपने कोई भी नया कंसेप्ट सीखा है या कुछ भी नया सीखा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, जिसपे हम रेगुलरली क्विज, PDFs एंड वीडियो शेयर करते रहते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।